बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे पिछले व्लॉग्स में, जिसमें मैंने अपने पिंपल्स की बहुत बुराइयां की थी, कि इन पर कुछ लगाओ। बहुत सारे लोगों ने क्रीम्स मुझे रिकमेंड की, तो भाई मैं लगाती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैंने फ्री छोड़ा हुआ है, लेकिन पर ये क्रीम्स यूज़ करने से ना थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है स्किन पर, तो मैं गैप लेती हूँ। 2 दिन यूज़ करती हूँ, उसके बाद 2 दिन का गैप लेती हूँ। ज़्यादा ही लग गई व्लॉग के चक्करों में, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम केयर नहीं करते, केयर करते हैं अपनी स्किन के हिसाब से। 11:57 12 बजने वाले हैं, मतलब कल शुरू होने वाले। एक व्लॉग की एडिटिंग खत्म होती है और दूसरे व्लॉग की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। बस लाइफ व्लॉगो व्लॉगी हुई है आजकल। और अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली है, कुरान पाक नहीं पढ़ा, स्किप कर दिया है, अभी पढ़ूंगी थोड़ी देर तक। लेकिन उससे पहले मैं वो देखूंगी जिसको देखने के लिए मेरे अंदर चुल मची हुई है। कल मैंने एक मूवी का ट्रेलर देख लिया था जो मुझे अब बैठने नहीं दे रहा आराम से। अब एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, नमाज़ पढ़ ली है, तो अब मूवी देखती हूँ। आई नो क्या बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि कौन सी मूवी देख रही हो, तो यार इस मूवी का नाम है बर्निंग ब्राइट। जो यूट्यूब पर तो आसानी से अवेलेबल है, सिर्फ आप ऊपर लिखेंगे ना बर्निंग ब्राइट तो सामने आ जानी है आपके पास मूवी। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग मूवी देखते हैं या पहले ट्रेलर देखते हैं, क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा था और मैं तो इम्प्रेस हो गई थी ट्रेलर से। मैंने कहा मूवी देखनी ही देखनी है। इसमें एक शेर होता है, वो एक लड़की और एक बच्चे के घर आ जाता है और उन दोनों को खाने की कोशिश करता है, और वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टोरी यूँ है, थोड़ा सा बता दिया। और अगर आप लोग देखेंगे ये मूवी तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना, क्योंकि अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बताई और आपने देखी, अच्छा लगता है ना जब कोई चीज़ बताए और देख के और अगर से रिस्पॉन्स करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि रमज़ान है, रमज़ान में मूवीज़ ना देखो, तो मैं उन कुछ लोगों को कह रही हूँ कि ये ना कहना। अच्छा मूवी देख ली, दफ़ा करो उसको, इतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी मैंने उसकी तारीफें कर दी थी। यार ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी चीज़ मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, डोंट स्किप दिस। 5वीं दफ़ा रिकॉर्ड करने लगी हूँ, क्योंकि यार गलती हो जाती है हमेशा, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यार जिस तरह सितारों का इल्म होता है ना, इसी तरह एक इल्म होता है कि कब्र में क्या चल रहा है, अजाब आ रहे हैं या मतलब अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। और आई डोंट नो ये इल्म अभी भी लोग हासिल करते हैं नहीं। एक महफिल थी, उसमें एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और इस तरह का एक शख्स बैठा हुआ था जिसने ये इल्म हासिल किया हुआ था, तो वो महफिल में बैठे बैठे रोने लग जाता है। तो उसे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तो वो कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि मेरी माँ की कब्र में अजाब आ रहा है। तो वहाँ पर बैठे हुए एक जो होते हैं बुजुर्ग, वो क्या करते हैं कि उन्होंने बहुत दफ़ा कलमा पढ़ा होता है, लाइक शायद करोड़ों दफ़ा, शायद बहुत लाखों दफ़ा। तो वो क्या करते हैं कि 1.25 लाख कलमा बैठे बैठे उसकी माँ को बख्श देते हैं, किसी को नहीं बताते वहाँ पे। तो वो लड़का बैठा बैठा हंसने लग जाता है। लोग कहते हैं अब क्या हुआ है, कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ का कब्र का अज़ाब टल चुका है। तो टॉपिक ये है कि आप अपने लिए कलमा पढ़कर रख सकते हो। हमारे हाँ मतलब हमारी फैमिलीज़ में, आई डोंट नो आप लोगों का क्या सीन है, हमारी फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि जब कोई शख्स मर जाता है हमारी फैमिली में, तो क्या करते हैं कि कुल भी होते हैं और 40वां भी होता है, मुझे पता है सबका ही होता होगा। और क्या करते हैं कि उसके मरने के फ़ौरन बाद घर में गुटलियाँ लाई जाती हैं बहुत सारी, लाइक 1.25 लाख, और उसके ऊपर कलमा पढ़ा जाता है, और कलमा पढ़ के उस शख्स को बख्श दिया जाता है जो मर चुका है, ताकि उसकी बख्शिश हो जाए। तो मामा ने मुझे ये बताया कि आप भी अपने लिए कलमा पढ़ो, ज़रूरी नहीं है मरने के बाद आपके लिए किसी ने कलमा पढ़ना है, आप अपने लिए खुद कलमा पढ़ के रखो। क्या पता आने वाले हालात कैसे हैं कि कोई आपके लिए ना पढ़ सके कलमा। अब जिस तरह के वैसे भी हालात हैं, नफ्सा नफसी का आलम है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई, तो आप अपने लिए खुद इबादत तो हम करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तो लेकिन कलमा भी अपने लिए पढ़ के रखो, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा, कब्र का अज़ाब टल जाता है। मामा ने मुझे कहा कि आप पढ़ो, मैंने कहा अच्छा मामा कैसे पढ़ें, तो जिनके पास तो वो डिजिटल तस्वीरें हैं तो उनके लिए तो बहुत आसानी है, जितना है अगर वो उनका नंबर ख़राब नहीं होता उस पर तो उस पर पढ़ लें, हमारे पास नहीं है डिजिटल तस्वीर। तो मामा ने मुझे बताया कि आप हर नमाज के बाद अगर एक तस्वीर करते हो तो 500 दफ़ा हो जाता है एक दिन में। तो मेरे ख्याल से 1.5 साल या पता नहीं कितने साल लगते हैं, 1 साल में कंप्लीट हो जाता है अगर हम छुट्टी ना करें। हर नमाज के बाद अगर एक तस्बीह की जाए तो 5 तस्बीहें रोज़ की, मतलब 500, और साल में 365 डेज़ होते हैं, तो ये तकरीबन 2 लाख हो जाता है। तो ये 1 साल से कम टाइम में भी हो सकता है, जितना भी हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम है और रमज़ान भी चल रहा है, तो हम 5 से ज़्यादा तस्बीहें भी कर सकते हैं, 10-15 जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है। और एक और बात कि मैंने मम्मा से पूछा था कि हम वज़ू के बगैर भी पढ़ सकते हैं, तो मम्मा ने कहा था पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि आप बावजू होकर पढ़ो, उससे ज़्यादा सवाब होता है। मैं ये एक तस्वीर, मुझे वो वैसे तस्वीरें पसंद नहीं जिसके अंदर यह स्पेस कम होती है, मैंने अभी शुरू करना है आज से, ठीक है। आज है डे, मैं कैलेंडर भी लेकर आई हूँ, आज डेट है 28, तो मैं दिन में जितनी दफ़ा पढ़ूंगी उतनी दफ़ा मैं इसके ऊपर लिख दूंगी। अभी तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ सारा दिन, रमज़ान भी चल रहा है, तो जितनी इबादत करें उतनी कम है, तो मैं जितनी दफ़ा तस्वीर पे कलमा पढ़ लूँगी, जितनी तस्वीरें पढ़ लूँगी उतना मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, फिर एंड ऑफ द ईयर मैं काउंट कर लूँगी कि कितना हो गया है। मेरे लिए खुद कलमा पढ़ के रखना चाहिए, बल्कि ज़्यादा पढ़ो ताकि आप किसी और को भी बख्शो। तो बस ये मुझे बात पता लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्या पता मेरे साथ साथ कलमा पढ़ने के आप लोग भी पढ़ें। और रेंडमली
इतनी मत पढ़ें कि बस बैठे हैं बस पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं, तो उनको काउंट करें ताकि जो है ना आपको पता हो कि यार आपने अच्छा इतना पढ़ लिया है, इतना और रहता है, इतना और रहता है। क्योंकि हम रैंडम पढ़ते हैं तो हम लिमिटेड क्वालिटी में पढ़ लेते हैं, लाइक हम बैठे बैठे 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है हमने बहुत दफ़ा पढ़ लिया, ऐसा लगता है लेकिन पर ऐसा होता नहीं है। अब देखते हैं कि कौन कौन लोग मेरे साथ ये कलमा पढ़ते हैं। जिनको ये बात पहले से पता थी तो मुझे बताएं, मुझे पता लगी तो मैंने कहा आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी जनाब, बारिश ज़ोरों शोर से हो रही है, कल सुबह से बारिश हो रही है और बस आवाज़ से फील करें बारिश हो रही है। ये फूल पहले गए डाइनिंग टेबल पर, ठीक है, उसके बाद ये गए किचन में, उसके बाद ये आ गए हैं बालकनी में। अगली मंजिल इनकी सितारों पर। आज मामा ने जल्दी उठा दिया, टाइम तो 1 बजे लेकिन उठी मैं 12 बजे क्यों हूँ। मामा ने बड़ी सियासत की आज मेरे साथ, ग्रोसरी लेकर आई थी और कहती हैं उठो उठो ग्रोसरी उठा के लाओ नीचे से। मैं गई तो नहीं थी उठाने, उठा के ले आई थी ऊपर और फिर मुझे कहती हैं उठो ये उठाओ खलारा समेटो सारी चीज़ें। आवाज़ से पता लग रहा होगा कि काम तो मैंने कोई नहीं किया लेकिन उठ के एहसान चढ़ा दिया मैंने सारों पे। कभी आप लोगों ने सुस्ती की दुकान देखी है? अब सुस्ती की कोई दुकान होती नहीं है वैसे, ये ना हो कि कोई बंदा चला जाए सुस्ती की दुकान देखने, मैं हूँ सुस्ती की दुकान। Oh my God! अब देखें कैमरा अलमारी में पड़ा है, ये वाली अलमारी में, ठीक है ये वाली अलमारी में, लेकिन मैंने खोली नहीं अलमारी क्योंकि अलमारी खोलूंगी कैमरा निकालूंगी बैटरी डालूंगी SD कार्ड डालूंगी टाइम लगेगा ना, उठना पड़ेगा फट से। यार फोन से कर लेते हैं, हमारे कमरे के ना बिल्कुल साथ एक दरख्त है, ये इधर एक दरख्त है, इस दरख्त के ऊपर कौवों का कुछ खो गया कल से, ये काएं 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 करते फिर रहे हैं। इन कौवों का पता नहीं क्या मसला है, जब मैं आई हूँ छत पर मैंने कहा चलो ऊपर चलती हूँ मौसम बहुत अच्छा है थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँगी, तो ये लो जी इनकी काएं काएं शुरू हो गई। हाँ मुझे पता है तुम लोगों को भी कैमरा में आना चाहते थे। बैक टू रूटीन बैक टू वर्क, किचन में जाने से पहले चाबियाँ बजा दें, इसे होता होता कुछ नहीं है बस आवाज़ अच्छी लगती है। आज मैंने दोनों ड्रिंक्स अपनी मर्जी के बनाई हैं, खट्टा मीठा मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने एक गिमले का शरबत बनाया, एक स्ट्रॉबेरी का शरबत बनाया है और दूसरा शरबत बनाते हुए जो है ना शड़क शड़क हो गई, पूरा डिजास्टर हो गया था जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया। तो मामा सॉरी मैंने 10 मिनट पूरा किचन साफ कर दिया है। मामा आपको मैं वैसे नहीं बता रही ब्लॉग के थ्रू, अगर आपको पता लगे तो आई एम रियली सॉरी। आज के मेन्यू में कल वाली आइटम्स ही हैं, पकौड़े चिप्स और चावल पुलाव, कल का पड़ा हुआ था तो वही दोबारा से गर्म किया जाएगा क्योंकि आज सब का रोज़ा है, फसी का भी रोज़ा है, फसी का दूसरा रोज़ा है। फसी सारे ब्लॉग में आपको इसलिए नहीं देखा क्योंकि मेरी उससे लड़ाई हुई है, जब लड़ाई हो जाए तो हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। अब आप लोग कहेंगे लड़ाना करें लड़ना बुरी बात होती है, तो यार आप लोग ना कहना ये क्योंकि अगर आपकी भी बहन है या आपका भी भाई है तो यू बेटर नो लड़ाई होती तो क्या सिलसिला होता है। थैंक यू सो मच यार, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मैं जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है और आप लोग मुझे मेरी गलतियों के बारे में बता रहे हैं साथ साथ कि कैमरा फिक्स रखा करो या ब्लर हो जाता है तुम्हारा फेस फोकस रखा करो, ये सारी चीज़ें मेरी गलतियाँ हैं और आप लोग जो मुझे बताते हैं मेरी गलतियाँ तो मैं उन्हें गलतियों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। जिस तरह कि अब आप मेरे ब्लॉग्स आने वाले देखेंगे और देख रहे हैं कि मैं अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह मुझे बताते जाते हैं मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में वो गलती ना करूँ क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और जब आप मुझे कहते हैं कि इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे करो तो मुझे अच्छा लगता है सुन के कि अच्छा चलो मैं इंप्रूवमेंट कर लेती हूँ अपनी, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो बड़ा मजा आता है। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, इफ यू लाइक दिस देन हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू वॉन्ट देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्टे सेफ स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। ओए दुआ दे पढ़ ला खुल गया वे बात कर बात कर बात कर बात कर चारी रमजान रख वापस आ करे रोजा भाई नी सलाम भाई नी जगह से तो अभी रमजान सही वालेकुम इस की काफ्ता तू वालेकुम तो चुप तक तू से चुप कर जाओ मिदो भी एक बस हो गया हो गया हो गया एडी कारे काली सी।